उसकी मौत पे मैं खामोश था, मेरी मौत पे आप खामोश है। अगला नंबर आपका है। पूरे मुल्क में मुस्लिम, दलित, आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। मौलाना मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला साहब को अरेस्ट किया जाता है, फायरिंग की जाती है, मुसलमानों को शूट किया जाता है, जिसको रोकने के लिए पैर में गोली मारनी चाहिए थी उनके छाती में गोली मारी जाती है। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने है। आज वक्त है हमें घर के बाहर निकलना है, आज निकलना है हमें लड़ना इन फिरकापरस्त ताकतों से। हमें कानून के दायरे में रहते हुए, मोहब्बत को बांटते हुए इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारे गुस्से को जाहिर करना होगा, हमारी तकलीफ को हमें प्रोटेस्ट के जरिए से किएंगे। पीर के दिन 2 बजे हफ्त गुम्बज पर, नेशनल कॉलेज पर जो अजीम और शान जो एहतजाज जो प्रोटेस्ट होने वाला है, मैं तमाम गुलबर्गे के नौजवानों से खासतर दिल की तरफ से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आपका और मेरा प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से हमने तारीख रकम की थी CERC के प्रोटेस्ट में, फिर से हम उसी तरीके से मजमा इंशाल्लाह जमा करेंगे, इन फिरकापरस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. Kuch der ki khamoshi hai, fir shor aayega, aaj kutton ka waqt hai, hamara daur aayega inshallah. Assalamu alaikum, adab dosto, release all पॉलिटिकल प्रिजनर्स के थीम पर पीपल मार्च निकाला जा रहा है, जो कि नेशनल चौक हफ्त गुम्बद से शुरू होगा, संतरासौड़ी एसटीबीडी से होते हुए जगत सर्कल के पास से डीसी ऑफिस को हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वार हो रहे हैं, मुस्लिम, दलित, आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। हमारे संविधान को कहीं ना कहीं बदलने की और इसे चेंज करने की साजिश की जा रही है। देश में वर्कशिप एक्ट जो है, इन एक्ट होते हुए इन्हें नहीं माना जा रहा है। जो वर्कशिप एक्ट था, जहां पर मस्जिद है वहां पर मस्जिद रहेगी, जहां पर मंदिर है वहां पर मंदिर रहेगी, उसे नहीं माना जा रहा है। बुलडोजर पॉलिटिक्स की जा रही है, मस्जिदों को हमला किया जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। मौलाना मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला साहब को हेट स्पीच देने की बुनियाद पर केस किया गया है। हेट स्पीच बीजेपी के नेता देते हुए नजर आते हैं खुलेआम, जबकि हजारी साहब किबला ने किसी का नाम तक नहीं लिया, बीजेपी वाले सरेआम मुसलमान का नाम लेकर गाली देते हुए नजर आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर मुसलमानों को गाली देते हुए नजर आते हैं, और बीजेपी के तमाम लीडर गोली मारो सालों को इस तरीके के नारे देते हैं पर उन पर कोई केस नहीं होता। अपोजिशन के तमाम लीडर को पार्लियामेंट से सस्पेंड किया जाता है, पर जिसने पार्लियामेंट में ठहर कर जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा देश का मंदिर कहा जाता है वहां पे ठहर कर गालियां देते हुए नजर आता है, उसके ऊपर हमारे इस देश की पुलिस कुछ एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती है। वही जो मैंने शेर कहा, इस शेर को कहने पर मौलाना मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला साहब को अरेस्ट किया जाता है, उन्हें जूनागढ़ लेकर जाया जाता है, वहां से उन्हें बेल मिलती है, उन्हें राहत मिलती है, तो फिर कच्छ में और एक केस डालकर वहां पे 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है, पर 3 दिन की रिमांड में उन्हें जेल भेजा जाता है। इसी तरीके से कई मुसलमानों को, कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, कई हमारे दलित लीडर को, कई आदिवासी लोगों को जेल में भरने का काम ये बीजेपी सरकार करती हुई नजर आ रही है। उसकी कठपुतली CBI ID पीछे लगकर बहुत सारे पॉलिटिशियंस को धमकियां दी जा रही है, उन्हें खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख की जा रही है, ऑपरेशन कमल किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने है। आज वक्त है हमें घर के बाहर निकलना है, आज निकलना है हमें लड़ना इन फिरकापरस्त ताकतों से, इन बीजेपी सरकार से, इन बिके हुए लीडर से। आप देखते हैं पंजाब में मेयर इलेक्शन में क्या होता है, जो 20 वोट होने के बावजूद 8 वोटों को खराब किया जाता है और बीजेपी का मेयर बनाया जाता है। इस तरीके से पूरे देश में माहौल चल रहा है, फायरिंग की जाती है, मुसलमानों को शूट किया जाता है, जिसको रोकने के लिए पैर में गोली मारनी चाहिए थी उनके छाती में गोली मारी जाती है। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। हमें कानून के दायरे में रहते हुए, मोहब्बत को बांटते हुए इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारे गुस्से को जाहिर करना होगा, हमारी तकलीफ को हमें प्रोटेस्ट के जरिए से किएंगे इंशाल्लाह।
जो अजीम और शान जो एहतजाज जो प्रोटेस्ट होने वाला है, मैं तमाम गुलबर्ग के नौजवानों से खासतर दिल की तरफ से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, आप हमारी ताकत बनिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आपका और मेरा प्रोटेस्ट है। ये गुलबर्गा के मुसलमान, गुलबर्गा के दलित इस प्रोटेस्ट को निकाल रहे हैं। मैं ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, उसका प्रेसिडेंट होने की जानिब से, मोहम्मद अजीम शेख, आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सिंगल हो या अपने दोस्त के साथ आए, अपने फैमिली के साथ आए, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अहदे पर अपनी पूरी टीम को लेकर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें, हमारी ताकत बढ़ाए, इस प्रोटेस्ट को कामयाब करें। इंशाल्लाह ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी और हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। उसकी मौत पे मैं खामोश था, मेरी मौत पे आप खामोश हैं, अगला नंबर आपका है। इतनी बात कहते हुए मैं फिर एक बार तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त पीर के दिन 2 बजे हफ्त गुम्बज पर, नेशनल कॉलेज पर आप आए, नेशनल चौक पर, वहां से हम पूरे साथ निकलेंगे, एकजुट होकर निकलेंगे। फिर एक बार आप लोगों को रूट बताता चलूं, संतरासौड़ी एसटीबीटी जगत सर्कल से होते हुए हम डीसी ऑफिस जाएंगे, हमारा मेमोरेंडम देंगे, हमारा एहतजाज दर्ज कराएंगे। अगर आप इस दौरान अगर आप संतरासौड़ी में हैं तो आप वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप एसटीबीटी से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डीसी ऑफिस से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कहीं मुस्लिम एमएस की मिल से अगर आप आ रहे हैं तो आप सीधा डायरेक्ट डीसी ऑफिस पे आ सकते हैं। मैं फिर एक बार तमाम गुलबर्ग के नौजवान, जिस तरीके से हमने तारीख रकम की थी सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में, फिर से हम उसी तरीके से मजमा इंशाल्लाह जमा करेंगे, इन फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक, मिजगोरी, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी, एंड अल शरई पब्लिक स्कूल, पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। एडमिशन आर ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स।